अब देखिए कि क्या है किसान। अब एक चीज, आप दूसरी खबर पे आइए जरा सा। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में दरअसल प्रदर्शनकारियों पर खट्टर ने कहा है कि किसानों को धरना स्थल से वापस आ जाना चाहिए। अब जरा इस चीज को देखिए, किसानों ने धरना स्थल से आवाजाही के संदर्भ को देते हुए खट्टर ने कहा कि इन धरनों की वजह से चीजें सामने आ रही है, यह संक्रमण फैल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई गांव संक्रमण के केंद्र के रूप में सामने आए, क्योंकि लोग नियमित रूप से धरना स्थलों से आ जा रहे हैं। बता रहे हैं कि केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टिकरी अन्य सीमा से हरियाणा में वापस आ रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री खट्टर ने बहुत साफ कहा, चूंकि तुमने ड्यूटी लगाई है कि 100 लोग आएंगे, फिर 100 लोग जो है अपना जो भी जिस स्थिति में हो तुम पैसे देते हो, जो फिर वापस जाएंगे, फिर तीसरा खेप आएगा, ये बार बार खेप आता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम तंबू बंबू लगाए रखो, और फिलहाल जब तक ये स्थिति सुलभ नहीं हो जाती है तब तक इस आंदोलन को रोक दो। क्या गलत कहा? खट्टर साहब ने कहा कि तंबू बंबू रहने दो, उसे मत उखाड़ो, और कुछ आदमी रहो, ये आंदोलन अभी खत्म कर दो, और ये जो आने जाने का सिलसिला रखते हो इसे बंद कर दो, 4 चिरकुट वहां पे बैठो तुम लोग और बाकियों को हटा दो। इसका जवाब, और ये सामने आया है कि कैसे सबसे ज्यादा जो है जो कोरोना फैल रहा है वो हरियाणा में बड़े पैमाने पर किसानों के उस गांव में जहां जहां किसान लौट रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के केस का लगभग आधा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा छोटा है, आप मध्य यूपी और पूर्वी यूपी छोड़ दीजिए, यूपी में कुल केस जो है कल तक का जो रिकॉर्ड था वो 15,80,000 है, और वो पश्चिमी यूपी में 5,64,000 है, लगभग 37-38%। लेकिन एक्टिव केस जो है वो 2,04,000 है, जबकि पश्चिमी यूपी में वही 95,780 है, मतलब लगभग 47%। अब इस चीज को समझिए, यही बात खट्टर कह रहे हैं कि बार बार जो आना जाना होता है बॉर्डर से उसके कारण ये फैल रहा है। दरअसल इससे इनको लगने लगा कि कल महामारी एक्ट के तहत किसी टिकैत को तो गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, इसलिए सब बेचैन हो गए। टिकैत सामने आया, और टिकैत इन लोगों का जो आता आजकल है, जिस इसको इसी टिकैत को ये लोग बना रहे हैं, कभी चाह रहे हैं कि ये वो बन जाएगा, इसने ठिका कि सरकार हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, और हमारे कारण थोड़ी ना फैला है, किसान जो सब पूरे देश में क्या हमारे कारण फैल गया, ये कुतर्क किया। अब देखिए, इन लोगों के पक्ष में, इन लोगों को लेकर के पूरे देश भर में एक कोहराम मचाया गया इनके फेवर में। लेकिन अब क्या हुआ है, योगेंद्र यादव को सब पता था कि वहां रेप हुआ, इस बात को बार बार समझिए, गैंग रेप हुआ वहां के, टेंट में हुआ, रेल में हुआ, टेंट में लड़का और लड़की, मतलब लड़कियों के लिए अलग टेंट नहीं था। अब ये चीजें, यदि चूंकि कोरोना काल है, देश में एक बड़ी विपदा है, इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि इस काल में यदि योगेंद्र यादव को पकड़ करके पूछताछ किया जाए, और पूछताछ पुलिस तो 2-4 लप्पर खींच करके भी देती है, तो तभी भाई इस तरह से बताओगे। तो इन योगेंद्र यादवों को, जो सोचिए, श्रीनिवास को जब बुलाया गया हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, सोचिए तो किस तरह भ्रम फैला सकते हैं। ये कहीं नहीं है, लेकिन ये खैरात जीवी क्या खेल कर रहे हैं, जरा सा आप इस चीज को समझिए, ये खैरात जीवी कितना खतरनाक खेल कर रहे हैं। श्रीनिवास को हाईकोर्ट के आदेश पे बुलाया गया, बवाल मचा दिया गया, योगेंद्र यादव के ऊपर गंभीर आरोप है। क्यों? रेप केस में ये प्रायोरिटी माना जाता है, मर्डर और रेप केस में किसे आप बहुत देर तक पुलिस से बचा कर नहीं रख सकते। उस लड़की के पिता ने, दो एक जिसे एक्यूज बनाया गया है इस मामले में, उन दो लड़कियों ने भी योगेंद्र यादव को बताया, किसान नेताओं को बताया, ये लोग इसे गोलमोल कर रहे थे, मतलब कानून से ऊपर बन रहा था योगेंद्र यादव। अब ये चीजें सामने हुई, योगेंद्र यादव से भी पूछताछ हुई, हो सकता है कि योगेंद्र यादव को भी हरियाणा पुलिस जो है खोमचे में ले ले, क्यों नहीं ले? तो क्या इन सबको डर लग गया, इसीलिए ये सब माहौल बना रहे हैं कि कहीं इनके ऊपर महामारी एक्ट की तरह कार्रवाई ना हो जाए, कहीं इनके ऊपर रेप केस को छुपाने, सबूत, अब सबूत नष्ट करने का तो सामान्य मामला बनता है, एक कानून के जर्नलिस्ट होने के नाते, क्योंकि लंबे समय मैंने कोर्ट कवर किया है, ये सबूत नष्ट करने का मामला है। आपने खुद कहा कि हमने तंबू और बंबू हटा दिया,
वो जो टेंट था, जिस टेंट में लड़की रही है, और वो जो दो एक्यूज्ड हैं, आपने उसे भगा दिया। मतलब साफ है कि पुलिस के मुताबिक ये सबूत नष्ट करने का मामला जो योगेंद्र यादव पर बनता है। आज टिकैत ने इस पर रिएक्शन किया।